ग्वालियर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने सहित आम लोगों को सहायता पहुंचाने में काफी सहायता मिली है। जिले की तो सभी तो पहले से ही काम कर रही थी और इसे कोविड के संबंध में जो भी इश्यूज आते थे उन पर ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी विचार करके और अपने रिकमेंडेशन सरकार को देते थे। सब मिलकर के परिस्थिति का आकलन भी करते हैं और इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या क्या आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है। हमारा कोरोना कर्फ्यू पर निगरानी ठीक है, हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनमें बेडों की स्थिति क्या है, बेड कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, कितने बेडों की आवश्यकता हो रही है, आपको लोगों को गरीबों को राशन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। इस कमेटी में जिले के जनप्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल रहते हैं। इस कमेटी की सबसे अच्छी बात यह है कि कमेटी में सत्ता और विपक्ष दोनों के ही जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, इससे एकमत होकर फैसला लेने में काफी आसानी होती है। सुझाव सरकार के पक्ष में या खिलाफ में इस रूप में न लेते हुए सकारात्मक रूप से सोचें कि जो सुझाव जिसके भी आ रहे हैं और क्या हम इस कोरोना पर काबू पा सकते हैं, इसमें क्या क्या सुझाव कारगर हैं, उनको सरकार को और प्रशासन को अमल में लाना चाहिए। कमेटी जो है केवल कोरोना की संपूर्ण स्थितियों पर हम लोगों से ब्रीफ करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और फिर जो जिले स्तर पे, स्थानीय स्तर पे विभिन्न प्रकार के कोरोना कर्फ्यू या दूसरे प्रकार के निर्णय होते हैं उसमें उनकी सकारात्मक भूमिका रहती है और निश्चित रूप से एक कलेक्टिव डिसीजन लेने के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का ये मॉडल कोरोना काल जैसी आपदा में फैसला लेने और प्रभावी रूप से राहत पहुंचाने में काफी कारगर साबित हुआ है। इसके चलते अब इस तरह की कमेटी ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी बनाई जा रही है ताकि शहर से दूर इन क्षेत्रों में भी कोरोना के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। नवीन नायक, DD News, ग्वालियर।